ग्लोबल मल्टीप्लेक्स प्रेजेंस प्यार वाला लाफ, कहानियां जो दिल को छू लेंगी। क्यों भाई विक्की, आज नाश्ते का क्या मूड है? अरे बिल्कुल मूड है सुरेश भाई, पर अपन साहू का वेट कर रहा है। आज वो सर थारा समझो, आज मेरा ब्रेकफास्ट कबिल वही पे करेगा। अब क्या शर्त लगाई उसने? अरे अंधेरी से फोन किया मेरे को, बोला 5 मिनट इधर पहुंच जाएगा। अभी तुम ही बोलो, 5 मिनट में कोई इतना सुबह का ट्रैफिक में इधर पहुंच सकता है क्या? भाई जब से मैं साहू को जानता हूँ ना, उसने पैसे लिए हैं, दिए नहीं है किसी को। आज तो उसका शर्ट टूट गया समझो। देख पूरे 14 सेकंड बचे, 5 मिनट पूरे होने में। चल 50 रुपए निकाल। 50 रुपए निकाल, 50 रुपए निकाल। अरे दे रहा हूं ना, जल्दी करना, जल्दी दे। छुट्टा छुट्टा नहीं है इधर। अरे छुट्टा है ना, ये देखे क्या। अरे उधर क्या देख रहा है? अरे सुरेश भाई, आज मेरा नाश्ता विक्की के नाम। हाँ लेके आता हूँ अभी। ए चला, तेरे को पूरे दिन के लिए एक सवारी दिलाना है। खुश पर अपन पे ये मेहरबानी काहे को? अरे मेहरबानी गई तेल लेने। आज अपन को एक बहुत मोटा क्लाइंट मिला है, एकदम आसमान से टपका। उसको एक घर चाहिए, एकदम हाई फाई घर, और साहू ब्रोकर दिलाएगा उसको एकदम एक रैपचिक बंगलो। सही है, वो आसमान से टपका है और तू उसे खजूर में अटकाएगा? नहीं अरे यार, अपन तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा है। उसको बंगलो चाहिए और अपन को चाहिए कमीशन, और वो भी एकदम तगड़ा। हमने बकबक बंद कर और पॉइंट पे आ जाए, समझा? वो क्या है ना, देख क्या ना, अपुन को तेरी भाभी को लेकर पंचकनी जाने का है। उसको अपुन ने प्रॉमिस किया है कि इस साल उसको लेकर जाएगा, लेकिन अपने को क्या मालूम था कि अपना धंधा इतना मंदा हो जाएगा। अगर ये डील फाइनल नहीं हुई ना, तो मेरा प्रॉमिस और बीवी का दिल टूट जाएगा। ए, तो कुछ मदद करना यार। अरे अबे घर तेरे को बेचना है, खरीदना उन लोग को है, इस समय तेरी क्या मदद करेगा? अरे एकदम सिंपल है यार, तेरे को घर देखकर सिर्फ वाह 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 ऐसे बोलने का है। देखो क्या है ना, वो एक बार घर देख चुके हैं, दूसरी बार देखकर सिर्फ डिसाइड करने का है। 80% निकल गया समझो, सिर्फ 20% तेरे को धक्का देने का है। अबे तो धक्का तो तू भी दे सकता है। अरे यार, अब मैं एक ही बंगलों की कितनी बार तारीफ करेगा? ब्रोकर है ना, गीता पे हाथ रखकर कसम भी खाएगा तो दुनिया झूठी समझेगी ना। अबे तो अब तू मुझसे भी झूठ बुलवाएगा? अरे मेरे राजा हरिश्चंद्र, घर में तेरे को जो भी चीज अच्छी लगे ना, उसको अच्छा बोल देने का, बस उतना ही बोलेगा। तू और मेरी 4 साल पुरानी बीवी में कोई फर्क नहीं है। जब भी कोई शुभ चीज होती है ना, तुम लोग पुनौती लगा देते हो। चल छोड़ यार, मैं तेरे को चाय पिलाता है। अरे सुरेश भाई, कड़क चाय बनाना इलायची मार के। सर 50 रुपए वापस। मेरी बिल्ली मुझे को मैं आऊं तो कर ले तू अपना काम। ले ले। अगले वाले में कम तीखा बनाना। अरे साहू जी किधर हैं आप? कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। ओके ओके ओके। मिर्ची। अरे तुम बिना मिर्ची कहाँ है, पानी पी लो। रिक आई एम सो एक्साइटेड, हम हमारा घर फाइनल करने जा रहे हैं। अच्छा सुनो, मार्केट से नारियल ले लेंगे। नारियल क्यों? पापा ने कहा कि नए घर में नारियल फोड़ देना शुभ होता है। मम्मी ने भी कहा था कि जब तक घर पूरी तरह से पसंद नहीं आ जाए, तब तक हम पैसे नहीं देंगे, और जब तक हम पैसे नहीं देंगे तब तक हम नारियल नहीं फोड़ेंगे, राइट? रिक एक ही घर कितनी बार देखेंगे? मुझे तो वो घर बहुत पसंद आया, और तुमने कहा था तुम्हें भी पसंद आया, राइट? हाँ मैंने कहा था। ओके टेल मी वन थिंग, भाजी खरीदते समय तो तुम बिल्कुल ठोक बजा के भाजी लेती हो, राइट? और आज जब हम इतना महंगा घर खरीदने जा रहे हैं तो तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? व्हाई रिक, उस घर के अंदर घुसते ही मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म। बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे वहाँ, यू नो व्हाट आई मीन? आई नो। नमस्ते रिक साहब। नमस्ते तोरल मैडम। चलिए अभी। ये लोग घर खरीदेगा। वैसे मैडम मैं मान गया आपकी पारखी नजर को, अपुन ने आपको इतने सारे घर दिखाए, लेकिन आपने भी एकदम बेस्ट पर उंगली रखा मैडम।
मेरी बात मानेंगे ना सर, तो आपको ये रेंट वेंट के चक्कर में पड़ना ही कि नहीं चाहिए। सीधा एक बंगलो खरीद लो, अभी तो मार्केट भी सही है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। क्या भाव गिरा है साहब, एक बार यूरोप में हनीमून मना के आ जाए फिर बंगलो भी खरीद लेंगे, है ना जान? अरे कल तो इतना टाइम नहीं लगा था, तो आज इतना वक्त क्यों लग रहा है? पांच मिनट, बस पांच मिनट। सर जी ऐसा मार्केट सालों में आता है सर जी? सर जी देख लो, बाद में कहीं पछताना ना पड़ जाए, मेरा मानो तो डील कर लो। टैक्सी वाले? विक्की, विक्की नाम है अपुन का। हाँ वही, रास्ते में नींबू मिर्ची बेचने वाले मिले तो रोक देते। अब वो किस लिए? नारियल नहीं तो नींबू मिर्ची ले लेते हैं, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए। कोई जरूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की, भाई आप सीधा चलिए। बंगला तो उतना मस्त है, फिर तू टेंशन काहे को ले रहा है? अरे नहीं रे, पिछली बार तो इस हीरो का रंगढंग कुछ अलग ही था, इस बार पर मेरे को सब नॉर्मल लग रहा है। तेरे को लगता है मेरा काम हो जाएगा? मुश्किल है। क्या 100%? लगी शर्त 100-100 रुपए की। इस बार मैं दिल से चाहता है कि मैं शर्त हार जाऊं। दिल धक धक कर रहा है। मैं नहीं, हार गया था, इधर मिला। डायमंड वाला सेट था ना, वो कल जाके बुक कर लेंगे, है ना जान? कम से कम। मैडम आप दो मिनट रुकिए, मैं बंगलों की चाबी लेके आता हूँ। जी। तू भी थोड़ा फील्डिंग करना यार, समझता ही नहीं है। आप लोग ये बंगला ले रहे हो? क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, अच्छा लगता है क्योंकि सारा बड़ा टीवी स्टार लोग ना इधर ही रहता है। अच्छा, कौन कौन? अरे मैडम ये पूछो कौन नहीं रहता इधर। विराट कुमार, सतीश शिर्के, रशीद लतीफ, वो छमक सिंह, छवि तिवारी, और हाँ और वो भी क्या नाम है उसका, नारायणी नमक हराम वाली। हाँ हाँ वही। ओ गॉड, अब तो ये सारे हमारे पड़ोसी हो जाएंगे। जान हमें हमारी शादी में इन्हें बुलाना चाहिए ना। एक सेकेंड। हेलो। अरे मैडम, एकदम ब्रांड न्यू बंगलो है, आपके लाइफ का नया शुरुआत नए बंगलो में। चले आइए। आइए सर, आइए मैडम, ये है आपका आलीशान बंगलो, एकदम ब्रांड न्यू रैप चिक। ब्यूटीफुल ना रे? अरे लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी? देखो ना, पूरे रास्ते में एक भी टैक्सी नहीं दिखी। अरे नहीं सर, सिर्फ दो मिनट की दूरी पे टैक्सी स्टैंड है, फोन करने का और टैक्सी तुरंत हाजिर। और देखिए ना, फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए ये इधर देखिए, इधर सब फैमिली बैठ कर टीवी देख सकता है ना, और इधर बच्चा लोग खेल सकता है। ए, नहीं क्या? हाँ क्या है? बच्चे तो दूर की बात है, पहले शादी तो हो जाए। ठीक, क्या सोच रहे हो रे? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि यू नो लिविंग रूम जो है कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर हम टीवी वहां पर रखेंगे और यहाँ बैठ के देखेंगे, सो डोंट यू थिंक कि यू नो डिस्टेंस। मैं भी वही सोच रही थी, शिफ्ट करते ही ना हम 29 इंचेस का LCD ले लेंगे या फिर प्लाज्मा। इतने बड़े घर में जरूरत तो पड़ेगी ना जान। ये मियां बीवी के बीच ये टीवी कहां से आ गया जान? शादी से पहले तो सब यही कहते हैं, झगड़ा तो शादी के बाद शुरू होता है रिमोट कंट्रोल को लेके। सुन, अपना ये जो तोता है ना, उनसे बोलो कि अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो अभी से टाइम बांट ले रिमोट कंट्रोल को लेके।
हाँ तो क्या क्या सोचा सर? तुम्हें नहीं लगता कि ये घर दो लोगों के लिए कुछ ज्यादा बड़ा है? यू नो फ्लोरिंग कितना मस्त है, देखो ना फ्लोरिंग, मेरा तो थोड़ा भी दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं देखना। वाह वाह क्या, बिल्कुल सही बात की तुमने, देखो हमारे आईने के पैसे ही बच गए। साहू ये तुम्हारा दोस्त है ना, बहुत फेंकता है। वो मुंबई जैसे शहर में मकान नसीब वालों को ही मिलता है ना, तो ये सोचकर थोड़ा इमोशनल हो गया। ये जो अच्छा लग रहा तो वही तो अच्छा बोल रहा है। आइए मैं आपको ऊपर के कमरे दिखाता हूँ, आइए 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 सर आइए आइए मैडम, ये देखिए एकदम परफेक्ट नजारा है। रिक इधर आ। अरे यहाँ से तो समुंदर भी कितना दूर है, नहीं? सब मुंबई में कितना समुंदर है? ऑब्वियसली एक। तो एक समुंदर कितना बालकनी का ख्याल रखेगा? और वैसे भी उधर से जो हवा आता है ना, वो बहुत नमकीन होता है, खट्टा खट्टा, और उससे आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, टीवी कंप्यूटर फ्रिज सब घुस जाता है। ये बात तो सही है तुम्हारी। सी फेसिंग बालकनी छोड़िए ना सर, मैं आपको पूरा छत के साथ पेंट हाउस दिखाएगा, पेंट हाउस। लेकिन आप थोड़ा बजट बढ़ाइए ना सर। नहीं नहीं आप किचन दिखाइए ना प्लीज। आइए दिखाता हूँ, आइए सर कम। लगाया। अरे साहब जी ये जो किचन है कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। अरे सर खाली किचन तो बड़ा लगेगा ही ना, क्यों मैडम? हाँ रिक हमने सोचा था ना, यहाँ मसालों का कैबिनेट रहेगा, वहाँ फ्रिज, यहाँ माइक्रोवेव और यहाँ स्टव। और रिक तुम्हें याद है ना? अरे हाँ वो यहाँ पे गैस पाइपलाइन है। वो गैस सिलेंडर रखो सर, गैस सिलेंडर, गोल्ड जोल्ड। किचन विचन छोड़िए सर, मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ, आइए 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 सर आइए आइए मैडम, ये है आपका बेडरूम। पूरा जा रहा लव बर्ड्स है यार, समझा कर। अबे मेरे को तो आदमी दिख रहे हैं, मंद बुद्धि इधर। अब अपनी आंखें बिल्कुल धीरे धीरे खोलो। क्या मेरी शहजादी को ये प्यारा सा बेडरूम कबूल है? कबूल है। और इस बेडरूम में ये कोजी कोजी सा बेड कबूल है? वो भी कबूल है। एंड इस प्यारे से बेटर एक स्वीट सा बेचारा सा मासूम सा हस्बैंड कबूल है? मुझे तो आज भी सब कुछ कबूल है।
वन मिनट। उस दिन इसी बंगलों को देखकर इतना खुश हो रहा था ये, और आज इसको हर चीज से तकलीफ हो रही है। अरे यार, मूड मूड का बात होता है। अंदर मैडम के साथ गुटुर गु कर रहा होगा, अभी देखना कितना चेक कराएगा। अभी सोने दे। क्यों सर, है ना चकाचक? गड़बड़ है, रूम का फेसिंग वेस्ट में है, और अगर रूम का फेसिंग वेस्ट में होगा तो बहुत गर्मी होगी। पर रिक, पिछली बार तो तुमने कहा था कि अरे पर ठंडा ठंडा हवा भी तो उधर से ही आएगा, और वैसे भी इतना सॉलिड घर में एसी तो फिट होना मांगता ना, क्यों मैडम? हाँ रिक, एसी तो लगाएंगे ना। साहु जी जरा एक मिनट। अरे मैडम जी, वो सुबह सर को नाश्ता वास्ता नहीं देना ना? क्या नाश्ता वास्ता नहीं दे क्या सुबह उनको? मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं। कॉलोनी के लोग लॉन में म्यूजिक बजाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं ना? अरे तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग इतना पैसा खर्च करने के बाद लॉन में पार्टी नहीं कर सकते, राइट? नहीं नहीं वो बात नहीं है, सोसाइटी में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट। अरे आइए आइए मैडम साहब, ठोक बजा के देख लिया ना आपने, तो पेपर्स वगैरह तैयार करवाऊं क्या? नहीं तुरल, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम घर जोगेश्वरी साइड देखें, यू नो ऑफिस भी कितना दूर है और आने जाने में कितना टाइम वेस्ट होगा। सो साहू जी, कोई अच्छा सा बंगलो दिख रही जोगेश्वरी में? अरे सर, उधर जाने का तो सोचना भी मत, बड़ा कंटाल वाला लोकेलिटी है, बारिश में तो यहां तक ये घुटना यहां तक पानी भर जाता है, और मुंबई का बारिश तो आप जानते हो। हाँ रिक, ये लोग तो वहीं घूमते फिरते रहते, इनको ज्यादा पता होगा ना। बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई, हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। साहू जी जल्द से जल्द कोई अच्छा सा ऑप्शन दिखाइए। हाँ हाँ, क्या लगता है तेरे को? जैसे जैसे इसका शादी का डेट करीब आ रहा है ना, इसके फेस का घंटा 12 की तरफ बढ़ रहा है। करना नहीं चाहता, इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, कोई और चक्कर लग रहा है साले का। ये बंगलो तो रिजेक्ट हो गया यार, ये 100 रुपए निकाल शर्त का, 100 रुपया निकाल दो शर्त का यार। अब ऐसे मुंह मत बना, हाँ तेरे से ज्यादा अपुन को नुकसान हुआ है। एक काम कर, तू उन लोग को देख, मैं चिंटू प्रोकर को फोन करके आता हूँ। अरे चिंटू, अरे साहू बोलता है साहू। अरे मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि बाजू वाले घर में कोई मटका किंग रहता है या कोई आइटम गर्ल, मेरे को उस एरिया का सबसे महंगा घर देख के बता, समझ रहा है तू? चलिए सर, आपको एक मस्त घर दिखाता है, इतना मस्त तो नहीं अपन, पर जब साहू जी दिखा रहे हैं तो अच्छा ही होगा। किसका है वो? ऑफिस है। मैडम जी अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप और सर कितने सालों से साथ हो? क्यों? नहीं अच्छा लगता है जब दो प्रेमी लोग शादी करने का फैसला लेता है, कोई प्रेम कहानी सफल होता है तो मेरे को बहुत सही लगता है। बारह साल से। अरे वाह, मतलब बचपन स्कूल टाइम से साथ हो? और नहीं तो क्या। रिकी मेरा पहला और आखिरी प्यार है। रिक, यू ओके ना? या जान, आई एम ओके, मुझे क्या होगा। ओके अगर तुम थक गए तो बताना, हम घर फिर किसी और दिन ढूंढ लेंगे। ओके मैडम जी, आपको नींबू मिर्ची चाहिए था ना?
ए बच्चे इधर आ, एक देना। एक क्यों, दो ले लो। अरे तो दोनों दे दे, ये ले, पैसे ले। अरे ये रखो। नहीं नहीं आप रखो, ये लो। ये मेरा तरफ से आपका नया घर के लिए गिफ्ट। अब ये सब क्या है? अब कुछ नहीं, देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो, आई कॉल यू बैक। अरे बोला ना, बाद में बात करता हूँ। रिक बात कर लो ना, कौन है? इट्स ओके, बाद में बात कर लूंगा, जरूरी नहीं है। आइए सर, आइए मैडम, आइए। ये देखिए मैडम, ये है आपका लिविंग रूम, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, जैसा आपको चाहिए था बिल्कुल वैसा। और ये विंडो है, और देखिए बाहर कितना मस्त व्यू है सर। मिस्टर साउथ, तुम्हें नहीं लगता कि ये विंडो कुछ ज्यादा बड़ी है ना? अरे हवा आएगी, खुला खुला लगेगा। स्वीडी, हवा के साथ धूप भी आएगी, और धूप के साथ धूल भी आएगी, राइट? और अब तुम ये खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपना सारा दिन मेरे साथ बिताना है या इस घर की सफाई करते हुए। खिड़की में पल्ले भी हैं, जब धूप धूल आए तो पल्ले बंद कर लेना। अरे ये तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम क्यों नहीं ले लेते? अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो आप? बाथरूम इधर है साहब। ये घर पुराना लगता है। अरे मैडम, उस बंगले के आगे तो आपको सब कुछ हल्का ही लगेगा ना। आने वाले ने दिमाग ही नहीं लगाया इसमें। अरे इस घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, कम से कम यहाँ पे तो इंडियन होता। सर आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं ओनर को बोलता हूँ ना, वो दो और बनवा देंगे। अरे आप एक चीज बताइए, इतने सारे टॉयलेट्स कम करेंगे क्या? जरूरत पड़ेगी जान, तुम्हारे घर वाले आएंगे, मेरे घर वाले आएंगे, इतने सारे लोगों में एक टॉयलेट से कैसे चलेगा? हनी मुझे एक बात बताओ, हम खाम खा उन लोगों को परेशान क्यों करेंगे? जब भी हमें उनसे मिलने जाना होगा हम चले जाएंगे ना, राइट? ऐसे क्यों कह रहे हो रिक? क्या शादी के बाद मैं अपने घर वालों को बुला भी नहीं सकती? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी ये कह रहा हूँ कि बेडरूम देखने चलते हैं। चलो। ये हीरो सही ट्रैक पे है, झगड़ा ड्राइंग रूम में शुरू करता है और खत्म करने के लिए बेडरूम ले जाता है। बात तो तब बने जब झगड़ा खत्म हो, यहाँ तो झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। What is this? चलो हम उस बंगलो में चलते हैं। तोरल, please try to understand, वो घर हमारे लायक नहीं है। क्या? गए मेरे 100 रुपए फिर से। अरे तेरे को 100 रुपए की पड़ी है या मेरी खुशी दांव पे लगी है? कहीं तुम तीनों मिलकर मेरे का उल्लू तो नहीं बना रहे ना? वो घर रिजेक्ट रिजेक्ट करते जाए, तुम इसे 100 रुपए गिनवाता जाए। सर, मैडम सुनिए। अरे सर, सर मैडम, वो मास्टर बेडरूम देखा आपने? वो दक्षिण पश्चिम दिशा में, बोले तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये पूरा बंगलो जो है ना मैडम, वो वास्तु को देखकर ही बनाया है। वो सुष्मिता सेन वाला वास्तु नहीं, वो एक्चुअल वो साइंस वाला वास्तु। अरे तुम अपनी बकवास बंद करोगे प्लीज, ये ज्ञान मत दो। नो रिक, इट्स इंपॉर्टेंट। कम ऑन तोरल, तुम भी। कॉलोनी का नाम भी बहुत अच्छा है मैडम, वास्तु कॉलोनी। ए, नाम में क्या रखा है? घर का खुशी तभी तक है जब तक घर का लक्ष्मी खुश है। सुना रिक, अब से मुझे खुश रखने की आदत डाल दो। अरे तो हम और खुश कर देते हैं। ऐसा हो बताना, और क्या क्या है इस बंगले वाली कॉलोनी में? हाँ, बहुत कुछ है मैडम। जिमनेजियम है, है? स्विमिंग पूल है, है? टेनिस कोर्ट है, है? और भी बहुत कुछ। इन सब चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अरे मैडम है ना, अरे मैडम आप जॉब करते हो? नहीं, क्यों? अरे तो फिर पूरा दिन घर में खाली बैठे बैठे क्या करोगे? अरे कुछ तो चाहिए ना मन को बहलाने के लिए। देखो, इन सब चीजों के लिए हम फालतू पैसा नहीं देंगे। अगर तुम्हारे पास कोई घर है कम बजट में तो दिखाओ। अब इससे सस्ता तो फ्लैट ही आएगा मैडम। चलेगा, दिखाइए।
इसकी गर्लफ्रेंड, इसको मारे ना मारे मेरी बीवी मेरे को बहुत मारेगी। अब इतना सस्ता डील करेंगे तो फिर पंचगनी कैसे जाएगा? आइए मैडम, आइए आइए सर, आइए। देखिए ये है आपका लिविंग रूम, और देखिए ये विंडो है। यहां सामने पड़ोसी के सूखते हुए कपड़े दिखाई देंगे, इसलिए पर्दा बंद ही रखने का, बस। बाकी आप सब खुद ही देखिए। थक गया। कैसा है? वहां किचन है मैडम, सिर्फ कुकिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ करने के लायक भी नहीं लगते। तो इस सोसाइटी में म्यूजिक अपने घर में चलाना भी मना है, कान खराब होने का चांस भी नहीं है। यहाँ पानी और बिजली एकदम टाइम पर आता है और टाइम पर ही जाता है, और लाइफ पूरा डिसिप्लिन में आ जाता है। और एक बात तो मैं भूल गया था सर, इस सोसाइटी में कार 1 किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ती है, और वो भी अपने रिस्क पर। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास कार नहीं है, लगता भी नहीं। अरे तो हेलो, वैसे मैडम ये सोसाइटी उतना बुरा भी नहीं है, ये आस पड़ोस का लोग सब अपना दोस्त है, बढ़िया लोग है। मैं जानता है वो पड़ोसी वड़ोसी बड़ा सही है इधर। क्या मैडम, क्या इतना बढ़िया बंगला छोड़ के तुम लोग ये फ्लैट में आ गया? अरे कुछ करो, कैसे भी करके अपना बॉयफ्रेंड को पटाओ। अरे अभी से सुनने का आदत डालेगा तभी तो शादी के बाद भी सुनेगा। रिक, वापस चले उस बंगले में। साहू जी, यहाँ का रेंट कितना है? उस बंगलों से आधा। तो फैंटास्टिक, तो एक काम करते हैं, बताइए एडवांस कब दूं? रिक, कम से कम मुझसे पूछ तो लो मुझे ये घर पसंद आया कि नहीं। बेबी, इतना अच्छा तो घर है, आई एम श्योर यू विल लव इट। रिक, आई थिंक वी नीड टू टॉक। सुबह से मैं देख रिक, सुबह से तुम कुछ ऑफ लग रहे हो, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। उस बंगलों में क्या प्रॉब्लम है रिक? पिछली बार तो तुम बहुत खुश थे। कुछ नहीं, पिछली बार की बात कुछ और थी, और वैसे भी वो बंगलों मैंने सीरियसली नहीं देखा था। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमारी शादी को भी सीरियसली नहीं लिया, यूं ही हाँ कर दी? अब उस बंगलों का हमारी शादी से क्या लेना देना? लेना देना है रिक, जिस चीज में मुझे खुशी मिलती है तुम्हें उसमें कोई ना कोई नुक्स नजर आता है। मुझे अगर घर पसंद आए तो प्रॉब्लम, ना पसंद आए तो प्रॉब्लम, तुम्हें मेरी हर चीज से प्रॉब्लम होने लगी है रिक। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें हमारी शादी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आर यू मैड? अगर शादी में इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा होता यहाँ पर तुम्हारे साथ। व्हाट, टाइम वेस्ट? पता नहीं सुबह से तुम्हारा ध्यान कहाँ है, किसे मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग रिक। तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं? हाँ, तुम्हें किसी और लड़की से प्यार हो गया है।
यही इसकी वजह हो सकती है। नहीं टोरल, ऐसी बात नहीं है, प्लीज। लड़की लोग का दिल ना बहुत बड़ा होता है। मेरे को लगता है लड़की जो है ना लड़के को पटा लेगी और फिर सब हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। सर वो अपुन डील पक्की समझे ना, वो इधर तेरे को अपने डील के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता ना, हा? देख नहीं रहा उसकी हालत में। लेकिन अपुन को क्या मालूम था कि इस तरह से बाहर जा, जाके मेरा वेट कर। लेकिन मगर मैंने बोला ना बाहर जाके वेट कर। पता तेरा मैडम के साथ क्या लफड़ा, पर इतना तो क्लियर है कि तू कोई बहुत बड़ा झोल कर रहा है। अगर तेरे को शादी नहीं करने का था तो उसको पहले क्यों नहीं बताया? कैसे शादी कर सकता हूं मैं उससे? क्या खिलाऊंगा, कहां पर रखूंगा? अब तो मेरे पास मेरी नौकरी भी नहीं है। नौकरी? तेरी नौकरी को क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं सुबह से किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था, किसी लड़की के मैसेज आ रहे थे? नहीं, सुबह से एक जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी अभी फोन आया, वहां पर भी वैकेंसी नहीं है। कल तक मेरे पास सब कुछ था, नौकरी थी, पैसा था, हैसियत थी, और आज आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तूने मैडम को अभी तक कुछ नहीं बताया? अब किस मुंह से उसे जाकर बताऊं कि मैं उसके सपने पूरे नहीं कर सकता? तुमने तो खुद ही देखा था, उसने हमारी शादी को लेकर बहुत कुछ सोच रखा है। कैसे उसका दिल दुखाऊं मैं? वो झेल नहीं पाएगी। बस हम आदमी लोग का यही प्रॉब्लम है, खुद को बहुत शाणा समझते हैं, सब कुछ अकेले ही झेलना चाहते हैं, सोचते हैं कि औरत लोग झेल नहीं पाएगी। पर भाई जी असल में तो औरत लोग का झेलने का शक्ति अपन लोग से कहीं ज्यादा होता है। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब जानने के बाद वो मेरे साथ देगी? इससे बढ़िया मौका तेरे को कभी नहीं मिलेगा टेस्ट ड्राइविंग का। मतलब? नहीं समझे? अभी भी टाइम है, जाके टेस्ट कर ले कि तेरा प्यार कच्चा या पक्का, जाके बोल दे बिंदास, बोल दे। और अगर तुझे थप्पड़ के बजाय पप्पी मिली तो समझ लेना तेरी लाइन क्लियर है। और अगर उल्टा हुआ तो? समझ लेना दोस्त कि लड़की पॉकेट से प्यार करती है, पॉकेट वाले से। सर आप इसकी बातों में मत आओ, ये तो ऐसे ही बकवास करता रहता है। मैं नहीं जानता कि तुम सही कह रहे हो। Thank you.
टॉरल, प्लीज मत रो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत दुख दिए हैं। आई एम सॉरी। आई डोंट बिलीव दिस रिक, तुम सब कुछ भूल गए हो, हमारे बचपन का प्यार, हमारे सारे सपने, हमारे घर के, आने वाले कल के, हमारे बच्चे, सब कुछ भूल गए रिक। लो, आ गया तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड का फोन। कुछ भी नहीं बदला है तोरा, ना मैं और ना तुम, सिर्फ बदले हैं तो हमारे हालात। मतलब मतलब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मैं तुम्हारे वो सारे सपने भी पूरे नहीं कर सकता जो तुम मेरे साथ सजाती आ रही हो। टॉरल, सुबह से फोन पर जॉब के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन कहीं पर बात नहीं बनी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता नहीं था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे और मुझे इस बात का डर भी था कि तुम मेरे साथ। टॉरल, यू सेव माय लाइफ। तुम्हें तो पता है ना कि पापा ने मुझे आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और ये सब छोड़ के मैं ऐसी जिंदगी नहीं अपना सकती जहां मुझे पता भी नहीं कि तुम मेरा ख्याल रख पाओगे कि नहीं। और मैं क्या, कोई भी लड़की नहीं रह सकती। आई एम ग्लैड यू टोल्ड दिस टू मी एंड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया सर जी। वो मैंने वो अरे क्या वो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरा प्यार बर्बाद हो गया। आखिर मैंने किसे क्या बिगाड़ा था? अरे सर जी वो पीछे तो देखो। क्या पीछे देखूं, अपनी जिंदगी को जाते हुए। पर सर जी वो मैडम जा रही थी
तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ अरे भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता था? तुमने तो खुद कहा था ना कि तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। जो कुछ भी मैंने कहा तुमने चुपचाप सुन लिया, तुम्हारा मुझ पर इतना भी हक नहीं बनता क्या? बोलो। मेरे हक से ज्यादा तुम्हारी खुशी मेरे मायने रखती है। और तुम अब तक नहीं समझे रिक कि मेरी असली खुशी तो तुम्हारे साथ है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया में 90% बीनिया अपने पति को छोड़कर जा चुकी होती। पैसा, ऐशो आराम, ये सब किसको नहीं चाहिए रिक? मुझे उससे भी बड़ी चीज तुमसे मिली है। अब चलो, कान पकड़ो और सर नीचे करो। अरे मैं जो बोल रही हूँ वो करो चुपचाप। करो। करना? कान पकड़ो। ओके। अब सर झुकाओ। ओके। हाथ छोड़ो। अरे ये क्या है? चुपचाप खड़े रहो। अरे गला दबाओगी क्या? जो काम आज तुमने किया है ना, उसके लिए ये सजा भी कम है। What? नजर ना लगे मेरे प्यार को। नजर और इससे राइट right? अरे तुम लोग कहाँ चले? हाँ अब ये नाटक बंद करिए और हमें कोई अच्छी सी कॉलोनी में कोई सस्ता वाला फ्लैट दिखाइए, है ना रिक? या बोला था ना, लगता है अपुन का भी टेस्ट ड्राइव का टाइम आ गया है। अगर अपनी बीवी अपने से बहुत प्यार करती है ना तो पंचगनी के बजाय जूही चौपाटी भी चलेगी, क्या बोलता है? और अगर नहीं गई तो शर्त लगाता है साला तू ब्रोकर का ब्रोकर ही रहेगा